गुड इवनिंग दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू प्रोपेगेशन गुड इवनिंग दोस्तों टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स, विभिन्न शोभाकार पौधों का प्रसारण तरीका। इसको जानने के बाद आप प्रत्येक पौधे को अपने डिजायरेबिलिटी अनुसार अकॉर्डिंग टू योर नीड यू में डेवलप ए न्यू प्लांट फ्रॉम ए प्लांट और यू में प्रोपोगेट ए प्लांट बाई सीड अकॉर्डिंग टू योर। देखिए अब इसमें कौन सा पौधा किस तरह प्रसारित किया जाता है, नया पौधा बनाया जाता है। मेनी ऑफ द सोलेनेशियस फैमिलीज फ्रूट्स वेजिटेबल्स सच एज बैगन टोमेटो चिली आर प्रोपोगेटेड बाई सीड्स। इसमें सीडलिंग तैयार करने के बाद ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। हेयर एज कोल क्राफ्ट पी बीन्स सेम एंड रूट क्राफ्ट आर प्रोपोगेटेड बाई सीड आल्सो। परवल स्वीट पोटैटो परवल शकरकंद मिंट प्रोपेगेटेड बाई स्टेम कटिंग। पोटैटो कोलोकेशिया अरवी घुइया बाई मोडिफाइड स्टेम बल्ब। गार्लिक ओनियन प्रोपेगेटेड बाई बल्ब। रतालू का प्रोपेगेशन कॉर्म के द्वारा होता है। आंवला सील एंड पैच बडिंग के द्वारा होता है। बेल का प्रोपेगेशन रूट सकर तथा सील बडिंग के द्वारा होता है। बेर का प्रोपेगेशन सील बडिंग के द्वारा होता है। इसमें जो रूट स्टॉक किया जाता है वो बेर सीडलिंग बीज का से पौधा तैयार करके उसमें सील बडिंग की जाती है। बनाना केले का प्रसारण टिश्यू कल्चर माइक्रोप्रोपेगेशन या सकर्स द्वारा होता है। कमरख का प्रोपेगेशन आप बीज द्वारा या इनार्चिंग अटैच ग्राफ्टिंग द्वारा कर सकते हैं। गुआवा अमरूद का प्रसारण सीड पैच बडिंग तथा स्टूलिंग द्वारा किया जाता है। ग्रेप का प्रोपेगेशन हार्डवुड कटिंग द्वारा किया जाता है। कटहल का प्रोपेगेशन सीड अप्रोच ग्राफ्टिंग द्वारा। करौंदा का सीड एयर लेयरिंग द्वारा। लीची का प्रोपेगेशन जो है एयर लेयरिंग द्वारा किया जाता है। मैंगो का कमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड जो है विनियर ग्राफ्टिंग है, डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। पपीता सीड द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है, नया पौधा तैयार किया जाता है। जबकि अनानास जो सीताफल है उसका प्रोपेगेशन स्लिप द्वारा, अनानास का प्रोपेगेशन स्लिप द्वारा किया जाता है। अनार का प्रोपेगेशन एयर लेयरिंग या कटिंग द्वारा। बोटल ब्रश आप लोग जाते हैं, रिसेप्टिव प्लांट है, इसमें लाल रंग के डुपिंग फ्लावर होते हैं। इसका प्रोपेगेशन सीड तथा एयर लेयरिंग द्वारा किया जाता है। चीकू या सपोटा का प्रोपेगेशन नया पौधा बनाया जाता है एयर लेयरिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग द्वारा। स्ट्रॉबेरी का प्रोपेगेशन रनर द्वारा होता है, सितंबर अक्टूबर में इसका टाइम है। लेमन का प्रोपेगेशन एयर लेयरिंग कटिंग के द्वारा होता है। लाइम का प्रोपेगेशन, नींबू का प्रोपेगेशन एयर लेयरिंग कटिंग तथा सीड। इसमें पॉलीएम्ब्रियानी बीज पाए जाते हैं, तो इसमें एक बीज से कई पौधे निकलते हैं। गैमेटिंग एंड न्यूक्लियर सीडलिंग, तो इसमें गैमेटिक सीडलिंग जो होती है हूबहू अपने पेरेंट्स लाइक प्लांट पैदा करते हैं, तो इसलिए इसमें सीड प्रोपेगेशन डिजायरेबल है। मौसम्बी का प्रोपेगेशन सीड बडिंग द्वारा होता है। शरीफा का प्रोपेगेशन सीड अप्रोच ग्राफ्टिंग द्वारा। सीरीस का प्रोपेगेशन सीड द्वारा। कदम का पेड़ जो भगवान कृष्ण से संबंधित गीता में बताया गया है सीड द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। सफ़ेद कचनार सीड द्वारा। गुलाबी कचनार सीड द्वारा। इसी प्रकार फारसा अमलतास एलोकैसिया लाल लसोरा गोल्ड मोहर एकोलिप्टस सिल्वर ओक बालम खीरा अशोक नीम तथा अशोक पोलियल्थिया लॉन्जिफोलिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं अशोक तीन प्रकार के होते हैं, पोलियल्थिया लॉन्जिफोलिया फ्लावरिंग अशोक जो है सराका इंडिका तथा वीपिंग अशोक पोलियल्थिया पेंडुला। तीनों का प्रोपेगेशन सीड द्वारा होता है। एकेलिफा श्रब बहुत अच्छा फोलियज ब्यूटी का श्रब होता है, तो इसका प्रोपेगेशन कटिंग के द्वारा होता है। पिकॉक फ्लावर सीजल पिनिया पल्चराइमा इसका बोटानिकल नेम है। गुलमोहर इसका प्रोपेगेशन सीड द्वारा होता है। क्रोटन ऑर्नामेंटल मैंगो इसका प्रोपेगेशन कटिंग और गूटिंग के द्वारा होता है। रात की रानी जैस्माइनम नॉक्टर्नम इसका प्रोपेगेशन कटिंग द्वारा होता है। तथा पोनसेटिया इसमें बहुत होते हैं रंग बिरंगे ब्रैक्ट होते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं देखने में। इसका प्रोपेगेशन हार्डवुड कटिंग होता है। ये मैंने आपको बताया, ये आपको बहुत ही
मार्गदर्शन करेगा, आप अपने इच्छा अनुसार अकॉर्डिंग टू यू योर डिजायरेबिलिटी यू कैन डेवलप ए न्यू प्लांट एंड मेक योर होम गार्डन आर सेल इन ए रीजनेबल प्राइस इन द मार्केट। आप लोग मार्केट में बेच सकते। यूफोर्बिया पल्चराइमा इज प्रोपेगेटेड बाई हार्डवुड कटिंग ड्यूरेंटा प्लूमराई सीड कटिंग गार्डियनिया फ्लोरिडा गुटी आर कटिंग रंगून क्रीपर इज प्रोपेगेटेड बाई कटिंग एंड ग्राउंड लेयरिंग। हैमिल्टोनिया इज प्रोपेगेटेड बाई हार्डवुड कटिंग। हैमेलिया पैटेंस बहुत अच्छा फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर होते हैं और ये बोंजाई के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। प्रोपेगेटेड बाई हार्डवुड कटिंग। हाइबिस्कस म्यूटाबिलिस इसमें बोटल से फ्लावर होते हैं रेड कलर के, बहुत अच्छा सोवर प्लांट है। दिस इज प्रोपेगेटेड श्रब है, ये झाड़ी नुमा पौधा होता है हार्डवुड कटिंग। वरियज हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल हार्डवुड कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट की एक जोरा। ये दिस इज द प्लांट विच इज यूज एज स्पेसिमेन प्लांट। स्पेसिमेन प्लांट आर दोज प्लांट विच स्पेसिमेन प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच व्हेन प्लांटेड इन एलोन इन द गार्डन दे ब्यूटिफाई द सराउंडिंग्स दैट आर नोन एज स्पेसिमेन प्लांट। इग्जोरा रोजिया इज प्रोपेगेटेड बाई गुटी एंड कटिंग। रेज ट्रिकोमा स्टैंस प्रोपेगेटेड बाई सीड। टैबोर्नी मंटाना डाइवर काटा चांदनी प्रोपेगेटेड बाई कटिंग। चांदनी आप लोग जानते हैं दो प्रकार की चांदनी होती है, एक होती है सिंगल फ्लावर और दूसरा होता है डबल फ्लावर चांदनी। सिंगल फ्लावर में एक पेटल रहते हैं जबकि डबल फ्लावर में दो तीन लेयर होती है पेटल की, जिसे डबल फ्लावर कहते हैं। थीवेटिया नेरिफोलिया कनेर कटिंग एंड सीड। थनबर्जिया इरेक्टा इज प्रोपेगेटेड बाई कटिंग। इसमें नीले कलर के बहुत अच्छे फ्लावर होते हैं, कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट होता है। ऑल एनिमल्स आर प्रोपेगेटेड बाई सीड एंड देन ट्रांसप्लांटिंग इज डन इन द फील्ड बिकॉज दिस इज दीज सीड्स आर वेरी स्मॉल सो दिस रिक्वायर वेरी अटेंशन इन सोइंग। अगेव सेंचुरी प्लांट प्रोपेगेटेड बाई साइड सूड आर सीड। एलोकाइसिया स्पीसीज ट्यूबर इंथोरियम दीज आर द इनडोर प्लांट्स। इंथोरियम स्पीसीज इज प्रोपेगेटेड बाई डिवीजन राइजोम कटिंग्स। अरुकेरिया स्पीसीज इज प्रोपेगेटेड बाई सीड। बिगोनिया स्पीसीज प्रोपेगेटेड बाई टेंडर कटिंग्स ट्यूबर कटिंग्स। कैरिस्सा ग्रैंड फ्लोरा ये कैरिस्सा के करौंदे की प्रजाति है, सीड एंड कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट होती है। डिफिनबेकिया दिस इज द वर्ल्ड लेवल इंडोर प्लांट, बेस्ट इंडोर प्लांट है जो है डिफिनबेकिया। बहुत सी स्पीसीज होती हैं आप देखते हैं चौड़े पत्ते वेरीगेटेड लीफ रहती हैं। दिस इज द प्रोपेगेटेड बाई स्टेम कटिंग एंड नोडल कटिंग। ड्रेसिना प्रोपेगेटेड बाई सकर्स एंड स्टेम कटिंग। फाइकस इलास्टिका रबर प्लांट आप लोग देखते हैं बहुत अच्छा शॉर्ट प्लांट इंडोर प्लांट है, ये प्रोपेगेट किया जाता है हार्डवुड कटिंग एंड एयर लेयरिंग के द्वारा। मोस्टेरा डिलिशियसा बहुत अच्छा फोलियज ब्यूटी का क्लाइंबर होता है, ये पेड़ों पे अक्सर चढ़ा हुआ मिल जाता है और इसकी पत्तियाँ कटी हुई रहती हैं। आप लोग देखिए तो बहुत अच्छा सोल प्लांट है, ये प्रोपोगेट किया जाता है स्टेम कटिंग के द्वारा। फिलोडेंड्रॉन स्पीसीज दिस इज द आल्सो इंडोर प्लांट, बहुत ही सोल प्लांट है। आप लोग इसकी पत्तियाँ वेरीगेटेड होती हैं, स्टेकिंग करने के बाद अगर इसको मास इफेक्ट में लगाया जाए बहुत अच्छा लगता है घर में इंडोर प्लांट के रूप में। स्टेम कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। पीलियम स्कोसा दिस इज द हैंगिंग बास्केट प्लांट, लटकती हुई टोकरियों में लगाया जाता है, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं पीले कलर की और ये स्टेम कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। बहुत शॉर्ट प्लांट है स्टेम हैंगिंग बास्केट के लिए। सेंसवेरिया स्पीसीज दिस इज नोन एज स्नेक प्लांट, ये इसको बाथरूम प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे अच्छा प्लांट है आपके घर के लिए इंडोर प्लांट के लिए, क्योंकि ये सभी भी जितने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वगैरह बेंजीन गैस निकलती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस इज़ द वेरी गुड प्लांट फॉर इंडोर पर्पज, प्रोपेगेटेड किया जाता है सकर के द्वारा और ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं रहती। बस ये कि इसमें पानी कम देना चाहिए क्योंकि
ओवर वाटरिंग से ये सड़ जाता है। मनी प्लांट प्रोपेगेट बाई लीफ बड और स्टेम कटिंग। जेब्रीना स्पेसी, जेब्रीना बहुत ही अच्छा प्लांट है, बाहर हैंगिंग बास्केट लटकते हुए टोकरियों के लिए भी स्टेम कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। बिगोनिया बिनास्टा, ये बहुत अच्छा क्लाइंबर है, ये ग्राउंड लेयरिंग के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है। बिगोनिया बिनास्टा या विग्ना बिनास्टा इसको कहते हैं, बहुत अच्छा सोअर क्लाइंबर है। बोगनवेलिया, जितनी भी बोगनवेलिया प्रजाति के पौधे हैं ये श्रब के रूप में भी आप ट्रेंड कर सकते हैं। तथा एक क्लाइंबर है, ग्राउंड लेयरिंग अथवा कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट जाता है। इस प्रकार से ये आपको मैंने बताया जो बचे हुए हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगा। और इसका, इस चैनल का आप लोग बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं और निश्चित रूप से अपने आय का बहुत अच्छा साधन बना सकते हैं। अगर आप सिंसियरिटी से केवल प्रोपोगेशन करने सीख लीजिए तो मेरे ख्याल से आप 10-20 हज़ार रुपये महीने बहुत आराम से, यहाँ तक कि 50,000 रुपये महीने कमा सकते हैं और आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और